नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप लोग लगातार चार दिनों से पटना में जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं उसको लेकर एक नई अपडेट आई है, और जैसा कि तमाम तरह की मुश्किलों का सामना अभी आप लोगों को करना पड़ रहा है पटना में, जैसे कि आपके ऊपर लाठी डंडे भी बरसाए गए हैं, पानी की बौछारें भी की गई हैं, लेकिन आप लोगों की ये जो एकजुटता है इसको देखकर आप लोगों की जो निर्णय है, आप लोगों का जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। देखिए, इसको लेकर एक नई अपडेट निकल के आ रही है कि आगे किस प्रकार से रणनीति अपनानी है, आगे हड़ताल करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि कई सारे आप लोगों को निर्देश भी आ रहे हैं कि आपका जो हड़ताल है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो देखिए, इसी को लेकर ये क्या निर्देश है आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, ये जो खबर है वो पटना से निकल के आ रही है 11/11/2023, यानी कि एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए, यहाँ पे गर्दनीबाग में एक आम सभा बुलाया गया जिसके दौरान जो सेविका सहायिकाएँ वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने क्या निर्णय लिया है आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है हड़ताल जारी, यानी कि अभी हड़ताल जारी रहेगा। गर्दनीबाग गेटवे लाइब्रेरी में आम सभा के दौरान लिया गया निर्णय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आम सभा बुलाई गई है जिसमें कि सेविका सहायिका और जो भी संघ के अध्यक्ष हैं वो सभी लोग मिल के यहाँ पे क्या निर्णय लिए हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बड़ा सा शीर्षक लिखा गया है, सेविका और सहायिकाओं ने कहा पर्व बाद प्रदेश भर में करेंगे सड़क जाम। यानी कि ये जो दिवाली और छठ आ रही है इसको लेकर यहाँ पे आम सभा बुलाई गई है ताकि जो आम जनता है उनको परेशानी ना हो। ये हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ये लड़ाई है और हम अपनी मांगों को लेकर अडिग रहेंगे। देखिए, यहाँ पे सभी सेविका बहनें हज़ारों की हज़ार संख्या में यहाँ पर सेविका सहायिका बहनें मौजूद है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लिखा गया है समान काम समान वेतन को लेकर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपने महापराव अभियान के चौथे दिन शुक्रवार को गर्दनीबाग गेटवे लाइब्रेरी में आम सभा की। सभा में प्रदेश भर से आई सेविका सहायिकाओं ने निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो त्यौहार के बाद राज्य भर में सड़क जाम करेंगे। इस दौरान करीब 3000 से अधिक सेविका और सहायिकाएँ उस सभा में मौजूद थी। सभा में मौजूद बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना ने कहा कि हर जिला से सेविका और सहायिका अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए अपने अपने ज़िले में तैयार रहें। यानी कि अभी आप लोगों का जो हड़ताल है वो चलने वाला है, अभी आप लोगों को तैयार रहना है, पर्व बाद फिर से यहाँ पे जो है कि यहाँ पे फिर से हड़ताल की जाएगी। अपनी मांग के लिए अब सड़क पर उतरना होगा, इसलिए जिला स्तर पर मजबूती बनाए, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर पुनीता, पूनम दुबे, अंजू, सुमन, ये सारी जो सेविका सहायिका हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, ये सभी सेविकाएँ वहाँ पर मौजूद थी। अपनी मांग को लेकर आंगनवाड़ी संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास गया, लेकिन वह नहीं मिले। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के आने की खबर सुनकर सांसद मीसा भारती प्रतिनिधि मंडल से मिली। तो जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी प्रताप यादव, उनसे मिलने प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, लेकिन वो वहां पे नहीं मिले। और देखिए, इस हड़ताल को लेकर कौन कौन से कार्य बाधित हो रहे हैं यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हड़ताल के कारण एक महीने से कार्य है बाधित, जैसा कि लगातार एक महीने 29 सितंबर से ये हड़ताल जारी है, इसको लेकर कई सारे कार्य जो है वो बाधित हो रही हैं। टीकाकरण, जन्म और मृत्यु का रिपोर्ट, गर्भवती महिला के गोद भराई, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, आयरन और कैल्शियम की टेबलेट खिलाने का कार्य, विटामिन ए और फलेरिया अभियान आदि, यानी कि ये सभी काम जो है कि आंगनवाड़ी केंद्रों से कराए जाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र का हड़ताल होने के कारण ये सभी कार्य यहाँ पर बाधित हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का यहाँ पे प्रमुख मांगे क्या क्या है, बिहार सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित की जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिले तब तक सेविकाओं को कम से कम 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाए। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली के लिए अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने का प्रावधान को लागू किया जाए। 16 मई 2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। और अब चलते चलते एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जो राजद कार्यालय के बाहर जितने भी सेविका सहायिकाएँ धरना प्रदर्शन की थी उनके खिलाफ यहाँ पे FIR दर्ज की गई है। देखिए, लिखा गया है राजद कार्यालय पर प्रदर्शन के खिलाफ 2000 लोगों पर FIR। अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को सेविकाओं ने राजद कार्यालय
और प्रदर्शन किया था। इस संबंध में मजिस्ट्रेट के लिखित बयान पर कोतवाली थाने में 2000 सेविका और सहायिकाओं पर केस दर्ज किया गया है। करीब 40 पुरुषों पर भी केस दर्ज किया गया है। FIR में आरोप लगाया गया है कि कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाया गया लेकिन वो नहीं मानी। तो इस प्रकार की ये सारी खबरें निकल के आ रही है, तो ये बहुत ही गलत हुआ है आप लोगों के साथ, केस नहीं करना चाहिए था। आप लोगों का क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा।